स्विट्ज़रलैंड ऐसी जनत जहां आप मैं हर कोई जिंदगी में एक बार जरूर जाना चाहता है जितना खूबसूरत ये देश उससे ज़्यादा खूबसूरत इस देश का इतिहास ये वो देश है जहां विज्ञान दिवस डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम को समर्पित है ये वो देश है जहां शिक्षक का सम्मान सबसे ज़्यादा किया जाता है और सबसे महंगी जो अब अध्यापक है ये वो देश है जहां अपराधी घटनाएं सबसे कम होती हैं स्विट्ज़रलैंड दुनिया का सबसे संपन्न देश है जो खूबसूरती में भी पीछे नहीं है बर्फीली वादियों से ढका हरियाली हो या बर्फ आंखें जिधर भी जाएं, पलक छबक ना भूल जाएं। हर प्रकार से संपन्न ये देश दौलत के मामले में भी पीछे नहीं है यहाँ तेईस प्रतिशत बैंक अकाउंट विदेशियों के हैं चलो आज स्विट्जरलैंड की अमीरी से जुड़ी एक रोचक कहानी मैं आपको सुनाती हूँ आज से लगभग पचास साल पहले स्विट्जरलैंड में एक निजी बैंक की स्थापना हुई जिसका नाम था स्विस बैंक इस बैंक के नियम दुनिया के अन्य बैंकों से भिन्न थे ये स्विस बैंक अपने ग्राहकों से उनके पैसों के रखरखाव और गोपनीयता के बदले पैसे वसूलता था ना ग्राहक से पूछना कि पैसे कहाँ से आए ना कोई सवाल ना बाध्यता साल भर में इस बैंक की ख्याति विश्व भर में फैल चुकी थी चोर बेईमान नेता माफिया तस्कर और बड़े बिजनेसमैन इन सब की पहली पसंद बन चुका था स्विस बैंक बैंक का एक नियम था रिचार्ज कार्ड की तरह एक नंबर खाता धारक को दिया जाता साथ ही एक पासवर्ड दिया जाता बस जिसके पास वो नंबर होगा बैंक उसी को जानता था ना डिटेल ना आगे पीछे की पूछताछ होती लेकिन अगर सात साल तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ बैंक में खाते को सात साल तक नहीं छेड़ा गया तो बैंक खाता सीज करके रकम पर अधिकार जमा कर लेगा सात वर्ष तक ट्रांजैक्शन ना होने की सूरत में रकम बैंक की अब रोज़ दुनिया में ना जाने कितने माफिया मारे जाते हैं नेता पकड़े जाते हैं कितने तस्कर मारे जाते हैं पकड़े जाते हैं कितनों को उम्र कैद हो जाती है ऐसे स्थिति में न जाने कितने ऐसे खाते थे जो बैंक में सीज हो चुके थे सन 2000 की नई सदी के अवसर पर बैंक ने ऐसे खातों को खोला तो उनमें मिला कालाधन पूरी दुनिया के चालीस प्रतिशत काले धन के बराबर था पूरी दुनिया का लगभग आधा कालाधन ये रकम हमारी कल्पना से परे है शायद बैंक भी नहीं समझ पा रहा था कि क्या किया जाए इस रकम का क्या करें क्या ना करें यह सोचते सोचते बैंक ने एक घोषणा की और पूरे स्विट्जरलैंड के नागरिकों से राय मांगी कि इस रकम का क्या करें साथ ही बैंक ने कहा कि देश के नागरिक चाहे तो ये रकम बैंक को नहीं बांट सकता है और प्रत्येक नागरिक को एक करोड़ की रकम मिल जाएगी सरकार की तरफ से पंद्रह दिन चले सर्वे में निन्यानवे दो प्रतिशत लोगों की राय थी कि इस रकम को देश की सुंदरता बढ़ाने में और विदेशी पर्यटकों की सुख सुविधाओं और विकास में खर्च किया जाए सर्वे के नतीजे हम भारतीयों के लिए चौंकाने वाले हैं लेकिन राष्ट्रभक्त स्विट्जरलैंड की जनता के लिए ये साधारण बात थी उन्होंने हराम के पैसों को नकार दिया मुफ्त नहीं चाहिए ये स्पष्ट सर्वे हुआ चौंकाने वाला काम दूसरे दिन हुआ पच्चीस जनवरी दो हजार को स्विट्जरलैंड की जनता बैनर लेकर सरकारी सर्वे चैनल के बाहर खड़ी थी उनका कहना था कि जो आठ प्रतिशत लोग मुफ्त की खाने वाले हैं उनके नाम सार्वजनिक करो ये समाज पर और स्विट्जरलैंड पर कलंक है काफी मशक्कत के बाद सरकार ने मुफ्त की मांग करने वालों को दंडित करने का आश्वासन दिया तब जनता जाकर शांत हुई और हमारे भारत में सब कुछ मुफ्त चाहिए इसके अलावा टैक्स चोरी बिजली चोरी काम चोरी और बहुत कुछ फटाफट टीवी इसकी सच्चाई पर मुहर नहीं लगाता यह महज एक कहानी या कल्पना मात्र हो सकती है लेकिन स्विस बैंक को सभी जानते हैं यह भी सच है कि बैंक में दुनिया का काला धन है। और अगर स्विट्जरलैंड की बात करें तो देश की संपन्नता और खूबसूरती भी किसी से छिपी नहीं है बस फर्क सोच का है अगर भारत में भी नागरिक और नेता ऐसे ही मुफ्त की योजनाओं का त्याग कर दे तो हो सकता है दुनिया दिल से कहीं सारे जहाँ से अच्छा हिंदो सित